समझ में नहीं आती तुम्हें? बांझ हो तुम, बांझ, मां नहीं बन सकती। अरे तुमसे अच्छा तो सड़क वाली के पास सो जाऊं ना, तो फ्रेश हो जाऊंगा मैं। तुम्हारा मनोज चेहरा देखना भी पसंद नहीं है मुझे। शादी के बाद पक्का। ठीक है मैडम, कल 11 बजे हम दोनों आ जाएंगे। शुक्रिया। अरे सुनिए, कल डॉक्टर मैडम का अपॉइंटमेंट मिला है 11 बजे का, हम दोनों को जाना है। डॉक्टर? क्यों, मुझे क्यों जाना है? मतलब तुम्हें लगता है मेरे अंदर प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं रहमत, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मेरा बोलने का दिमाग सटक गया तुम्हारा? आपको चेकअप करवाने में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है हम दोनों में से किसी को प्रॉब्लम हो, और ये भी हो सकता है कि चेकअप करवाने के बाद अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे। प्लीज रहमत, हमारे लिए चलिए ना। अपने दिमाग का इलाज कर, राज के बाद मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बात की ना, तो यहीं घर में तेरे दिमाग का इलाज कर दूंगा, वो भी जूते से, समझे? रहम, क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों हो? रियाना, शादी करोगी मुझसे? हाँ, यही तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम्हारी उस बांझ बीवी, उसका क्या करोगे? अब तो 3 तलाक भी बैन हो गया। मुझे पता है, 3 तलाक पे कानून बन गया, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और हम एक ही घर में एक साथ रहेंगे। तुम क्या करने वाले हो रहमत? मेरे पास एक प्लान है जिससे लोगों की नजर में हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हम एक घर में एक साथ रहेंगे भी। वही तो पूछ रहे, करने क्या वाले हो? मेरे छोटे भाई शान को तो जानते हो? हाँ। उससे शादी कर लो। देखो, उसकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सबीना को तलाक दिया ना, तो मुझे जेल हो सकती है, और तुम शान से शादी कर लोगे तो हम एक ही घर में रह सकते हैं। हम सबीना को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, यदि उसे कभी बाद में पता चला तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है, आज तुमने मेरे मन की बात की है, शादी की बात की है, तो इनाम तो तुम्हारा बनता है। कौन सा इनाम मोहतरमा?